हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल। मैं आपका स्वागत करता हूँ नेटवर्किंग प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको FLSM के बारे में बताया था, उसके कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताया था, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको VLSM के बारे में बताऊंगा, जो कि है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको PPT शेयर करता हूँ अपनी। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक, जो कि है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, आपको पता लग गया कि VLSM स्टैंड करता है उसके लिए। इट कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस अप टू 90%। जो हमारी वेस्टेज FLSM के अंदर हो रही थी, उसको भी रिड्यूस कर देता है। बेसिकली IP वेस्टेज को 90% तक रिड्यूस कर देता है बाय ओनली यूजिंग होस्ट बिट्स विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि मुझे एक नेटवर्क दिया हुआ है 192.168.1.0/24 क्लास सी का नेटवर्क दिया हुआ है, और मुझे बोला हुआ है कि नेटवर्क वन की रिक्वायरमेंट है 25 होस्ट की, नेटवर्क टू की रिक्वायरमेंट है 50 होस्ट की, नेटवर्क थ्री की रिक्वायरमेंट है 2 होस्ट की, नेटवर्क फोर की 25 की, एंड नेटवर्क फाइव की 10 होस्ट IPs की। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले क्या है कि आप इन सब नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने डाल लीजिए। जैसे जिस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, उसको टॉप में रखना है। जैसे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नेटवर्क टू की, तो नेटवर्क टू की है हमारे पास है 50 होस्ट, मतलब 50 IP। देन उसके बाद है नेटवर्क वन हमारा, जो कि है 25 IP। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेटवर्क फोर, क्योंकि वो भी 25 IP है होस्ट। देन नेटवर्क फाइव, जो कि है 10 IP। देन लास्ट में है नेटवर्क थ्री, जो कि है 2 IP। ठीक है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं नेटवर्क टू के लिए उठा लेता हूँ सबसे पहले। फॉर नेटवर्क टू, नेटवर्क टू के अंदर क्या है, 50 नंबर ऑफ होस्ट IP रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए फॉर्मूला था नंबर ऑफ होस्ट IP रिक्वायर्ड लेस देन इक्वल टू 2^H-2। यहाँ पे H क्या है, होस्ट बिट्स रिक्वायर्ड, मतलब कितनी होस्ट बिट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे H की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। ठीक है। बेसिकली 6 होस्ट बिट्स हमें रिक्वायर्ड है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, बिट्स टू बी बोरोड बाय नेटवर्क्स, बिट्स टू बी बोरोड बाय नेटवर्क कितनी हो जाएंगी, गिवन कितनी है हमें नेट होस्ट बिट्स, गिवन मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, गिवन नेटवर्क बिट्स जो है हमें 24 है, और होस्ट बिट्स कितने गिवन है 8। तो गिवन वाली माइनस रिक्वायर्ड कितनी है 6, 8-6 2 आ गया। तो 2 हमें क्या करना है, अब नेटवर्क बिट्स के अंदर ऐड करना है। देयरफॉर टोटल न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी, 24 गिवन थी, 2 मैंने बोरो कर दी, 26 होगी। ठीक है। अब 26 के हिसाब से हम ब्लॉक साइज निकाल लेंगे उसी मेथड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। ये ऑक्टेट फुलफिल हो गया। अब इस बिट की वैल्यू निकाली मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 64 का ब्लॉक साइज। ठीक है। देयर फोर हमारे नेटवर्क जो हो जाएगा वो 192.168.1.0/26 से लेके ब्लॉक साइज है 64 का, तो लास्ट जाएगा मेरा 192.168.1.64/26। इससे ऊपर वाला है मेरा 63, जो कि मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट। ठीक है। ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट IP। ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही है 192.168.1, और इसके ऊपर वाला हो गया 192.168.1.62, जो कि है मेरा लास्ट वैलिड IP, और यहाँ पे है 1.1, जो कि है मेरा फर्स्ट वैलिड IP। ठीक है।
तो ये हमारा नेटवर्क टू बन गया बेसिकली यहाँ पे ना ये चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर जो कि है हमारा नेटवर्क वन। नेटवर्क वन की रिक्वायरमेंट है 25 होस्ट की, तो अकॉर्डिंग टू 25 मैं कैलकुलेट करूँगा लेस देन 2 रेस्ट पावर h माइनस 2। यहाँ से मेरा h आ जाएगा 5, मतलब मुझे 5 होस्ट बिट्स की रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर न्यू नेटवर्क बिट्स टू बी बोरोड। गिवन कितनी थी 8 माइनस 5 3, 3 मुझे बोरो करनी पड़ेगी। देयरफॉर न्यू नेटवर्क बिट्स जो कि मेरे को गिवन 24 थी प्लस मैंने 3 कर दी जो कि हो गया 27। ठीक है, अब मैं 27 के हिसाब से निकालता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, बाकी बचे हुए को मैं 0 फुलफिल कर दूंगा। तो इस बिट की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी कितनी है, ऑक्टेट हो गया ये मेरा लास्ट 4th ऑक्टेट, और इस बिट की वैल्यू मेरे पास आती है 32। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे ब्लॉक साइज हो गया 32 का। ठीक है, 32 का हमारा ब्लॉक साइज हो गया। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आईपी क्या निकलेगी, अब 192.168.1.64/27। ठीक है, ये मेरी होगी नेटवर्क आईडी। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 32 का ब्लॉक साइज, देन 64, देन 96, ये वाला ब्लॉक साइज 64 का मैं पहले नेटवर्क में यूज कर चुका हूँ तो मैं इसको उठाऊंगा नहीं। अब मैं 64 से आगे 96 उठाऊंगा तो मतलब ये लास्ट 96 पे जाएगा, 192.168.1.96/27। ठीक है, तो इस पे जाएगा क्योंकि हम पहले नेटवर्क के अंदर यहाँ तक तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो हम इसको नहीं उठाएंगे यहाँ पे। तो अब इसके बाद इसका फर्स्ट वैलिड आईपी यहाँ पे बन गया 65/27, ये आ गया फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है, अब यहाँ पे इससे ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पे 1.95/27 जो कि आ गया हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी। इसके ऊपर वाला है 1.94 जो कि है हमारा लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क वन बन गया बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क पे चलते हैं। अब हमारा है नेटवर्क फोर जिसकी रिक्वायरमेंट थी 30 आईपीज की, बेसिक सॉरी 25 होस्ट। तो 25 के हिसाब से लेस देन इक्वल टू 2^h-2। अब यहाँ से मैं h कैलकुलेट करता हूँ, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे 30 आ जाएगा, मतलब h की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब मैं ब्लॉक साइज निकाल लूंगा तो वो 32 का आएगा। ठीक है, अब 32 का आएगा। अब मेरा फर्स्ट वैलिड आईपी क्या बन जाएगा, 192.168.1.96/27। ये तो है मेरा नेटवर्क आईडी। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले के अंदर लास्ट में यही आया था 96, और ब्लॉक साइज हमारा कितना गया 32 का, तो 96 के अंदर मैं 32 ऐड कर दूंगा तो ये लास्ट हमारा 128 तक जाएगा, मतलब 192.168.1.128/27। ठीक है, 96 के अंदर मैंने 32 का ब्लॉक साइज ऐड किया, 128 तक गया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट वैलिड आईपी आ जाएगा 97/27। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1.127 हमारा ब्रॉडकास्ट।
स्लैश में 27 है, यहाँ पे 1.126/27 हमारा आ जाएगा लास्ट वैलिड आईपी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा नेटवर्क 5, जिसकी रिक्वायरमेंट है 10 होस्ट आईपीज की। तो 10 < (2^h-2), तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो देयरफॉर बिट्स टू बी बोरोड B1 कितने थे हमारे पास होस्ट बिट्स, 8 माइनस रिक्वायर्ड कितने हैं, 4। ये आ गया बेसिकली 4। देयरफॉर टोटल नेटवर्क बिट्स कितने हो जाएंगे, गिवन 24 + 4 = 28। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट मुझे पता है कि 28 हो गए, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 28। बाकी बचे इसको मैंने 0 से फुलफिल कर दिया, इसका मैं ब्लॉक साइज निकाल लूंगा तो आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ब्लॉक साइज 16। अब मैं 16 के ब्लॉक साइज के हिसाब से नेटवर्क कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 192.168.1.128। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 16 का ब्लॉक साइज है, तो 16 + 16 = 32, then 48, then 64, then 64 + 80, then 96, then 112, फिर आ गया मेरा 128, देन आ गया मेरा 144। अब मैंने 128 से लेके यहाँ तक तो पहले वाले नेटवर्क्स में यूज कर लिया, तो मैं इसको यूज नहीं करूँगा। तो बचा हुआ नेटवर्क कौन सा है, 128 से लेके 144 तक का, तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो लास्ट में जाएगा ये 192.168.1.144/28, ये भी /28, ये बेसिकली हमारा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया 192.168.1.129, हमारा हो गया फर्स्ट वैलिड आईपी। यहाँ से निकालूंगा तो 192.168.1.143 हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट। लास्ट वैलिड आईपी हो गया 1.142। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिकली नेटवर्क 5 की रिक्वायरमेंट पूरी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क 3। इसकी होस्ट की रिक्वायरमेंट है 2 होस्ट के हिसाब से 2 < (2^h-2), तो यहाँ से h कैलकुलेट किया तो h की वैल्यू मेरे पास आएगी 2। ठीक है, देयरफॉर बिट्स टू बी बोरोड कितना आ जाएगा, गिवन हमारा 8 था, माइनस 2 हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ आ जाएगा 6। 6 बिट्स मुझे नेटवर्क के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। देयरफॉर टोटल न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी, गिवन थी 24 + 6 होगी हमारी यहाँ पे 30 टोटल न्यू नेटवर्क बिट्स। अब इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 + 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 बचे हुए 2 जीरोस। इस बिट की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास आएगा ब्लॉक साइज 4 का, 4 का ब्लॉक साइज आएगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से अगर मैं नेटवर्क निकाल लूंगा तो 192.168.1.144 मेरा लास्ट में गया था, और ये मैंने मास कैलकुलेट किया तो स्लैश 30 का दे रखा है मुझे। ठीक है, क्योंकि 30 मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया,
अब मेरा यहाँ पे ब्लॉक साइज है 4 का, तो इसके अंदर 4 ऐड करूँगा तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 147 तक, 192.168.1.147/30, ये नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो गया। इससे पहले वाला है 192.168.1.146 जो कि है हमारा ब्रॉडकास्ट, इसके ऊपर वाला 192.168.1.145 लास्ट वैलिड आईपी, ठीक है, सॉरी 146 हमारा ब्रॉडकास्ट है, तो 147 हमारा ब्रॉडकास्ट था, 146 हमारा लास्ट वैलिड आईपी है और 145 हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी दो होस्ट की, ठीक है। तो ये था हमारा ये, ठीक है। अब हमने कौन कौन से नेटवर्क कैलकुलेट किए, नेटवर्क 2 जो कि हमने कैलकुलेट किया 192.168.1.0/26, नेटवर्क 1 हमने कैलकुलेट किया 192.168.1.64/27, नेटवर्क 4 हमने कैलकुलेट किया 192.168.1.96/27, नेटवर्क 5 हमने कैलकुलेट किया 192.168.1.128/28 का, देन नेटवर्क 3 हमने कैलकुलेट किया 192.168.1.144/30 का। अब इन सब में देखिए कि सबके सबनेट मास्क डिफरेंट है, दैट इज़ वाई हम इसको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हमें, नेटवर्क दिया 200.0.0/24 और 3 नेटवर्क्स मुझे उसमें से बनाने हैं, मतलब बेसिकली उसके अंदर पहले में 100 आईपी होनी चाहिए, सेकंड में 60, नेक्स्ट में 28 आईपी, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था कि आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख लो, ये ऑलरेडी मेरे को रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नेटवर्क का मैंने क्या करूँगा, और नेटवर्क वन के लिए आईपी रिक्वायरमेंट है 100 इज लेस देन इक्वल टू 2^h-2। यहाँ से अगर मैं h कैलकुलेट करूँगा तो h मेरे पास बेसिकली आएगा 7, ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स है। सो नेटवर्क बिट्स टू बी बोरोड गिवन कितनी थी मेरे पास, 24 ये हैं, पोस्ट के बिट्स आ गए मेरे पास 8, माइनस रिक्वायर्ड कितनी है 7, तो बेसिकली 1 बिट जो है मैं ऐड करूँगा नेटवर्क के अंदर, देयरफॉर न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी होगी, गिवन थी मेरे पास 24+1 दैट इज 25, ठीक है। अब 25 करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बेसिकली सॉरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, देन बचे हुए के अंदर 0, ठीक है, 25, 255, ये 255, ये 255, ये बेसिकली 128, ठीक है। तो ब्लॉक साइज हमारा यहाँ से कितना आ गया, 128 का, ठीक है, क्योंकि इस बिट की वैल्यू कितनी होती है 128। सो नेटवर्क 1 क्या हो जाएगा हमारा, 200.0.0.0/25, क्योंकि न्यू मास्क मैंने 25 के हिसाब से निकाला है, और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा मेरा, 128 तक, क्योंकि मुझे 128 का ब्लॉक साइज मिला है, तो 200.0.0.128/25, तो यहाँ से मेरा .127 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी, .126 हो जाएगा मेरा लास्ट वैलिड आईपी,
और यहाँ फन 200.0.0.1 हो जाएगा मेरा फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिकली नेटवर्क वन की रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर मुझे 100 होस्ट मेरे फुलफिल हो गए हैं। ठीक है, देन नेटवर्क टू के लिए चलते हैं। नेटवर्क टू के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास, 60 नंबर ऑफ होस्ट। तो 60 लेस देन इक्वल 2^h-2, यहाँ से मैंने h कैलकुलेट किया तो h मेरा बेसिकली आएगा 6। ठीक है, देयरफॉर बिट्स टू बी बोरोड, बेसिकली नेटवर्क बिट्स टू बी बोरोड कितनी होंगी, गिवन कितनी थी मेरे पास होस्ट बिट्स 8, माइनस अभी रिक्वायरमेंट कितनी है 6 की, तो 2 आ गया। देयरफॉर न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी, गिवन कितनी थी नेटवर्क बिट्स 24, न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी 24 प्लस 2 दैट इज 26। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 26 आ गया। ठीक है, अब 26 के हिसाब से निकालता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, यहाँ पे होगा 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 255 का कंप्लीट हो गया, ये 255 का कंप्लीट हो गया, ये 255 का कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 1 है, मतलब 128 प्लस 64 192। ठीक है, अब इस वाले बिट की वैल्यू कितनी है 64, तो मेरा यहाँ से 64 का ब्लॉक साइज आ जाएगा। ठीक है, 64 का मेरे पास ब्लॉक साइज आ गया। सो मेरा नेटवर्क क्या बनेगा यहाँ पे, 200.0.0.128/26 है। क्यों, बिकॉज जीरो से लेके मेरा ब्लॉक से 64 है, तो जीरो से लेके 64 प्लस 64 128 देन 192। इससे पीछे वाले नेटवर्क के अंदर मैं 128 तक यूज़ कर चुका हूँ 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, तो मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं 128 से लेके 192 तक यूज़ करूँगा। तो 200.0.0 देन 192/26। ठीक है, ताकि मेरी यहाँ पे 60 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो अब यहाँ पे इसका मैं फर्स्ट वैलिड आईपी निकालता हूँ, जो कि 129/26 आएगा हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी। इसके ऊपर आएगा 191 जो कि आएगा हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी, 190 आएगा हमारा लास्ट वैलिड आईपी। तो ये थी हमारी नेटवर्क टू की रिक्वायरमेंट 60 होस्ट की, जो कि पूरी हो गई है। देन नेक्स्ट नेटवर्क के अंदर चलते हैं, जो कि हमारा है लास्ट नेटवर्क, नेटवर्क 3। उसके अंदर होस्ट की रिक्वायरमेंट थी बेसिकली 28 होस्ट, 28 लेस देन इक्वल टू 2^h-2, यहाँ से मैंने h कैलकुलेट किया तो h फिर आया 5। सो नेटवर्क बिट्स टू बी बोरोड कितनी हो जाएंगी, गिवन 8-5 दैट इज 3, 3 बिट्स मैं बोरो करूँगा। सो न्यू नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी, गिवन 24 प्लस 3 27, ये मेरा न्यू सबनेट मास्क मिला गया। सो यहाँ से अब 27 के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 255, 255, 255, ये 128, 64 प्लस 32, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 224, ये आ गया मेरा 224 सबनेट मास्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क बनेगा 200.0.0.192
/27 से, ये हमारी नेटवर्क आईडी है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लॉक साइज था 0 से लेके 32, देन 64, देन 96, उसके बाद 128, देन 160, फिर था 192, फिर था 224। अब ये चीज़ मैं पिछले वाले नेटवर्क के अंदर यूज़ कर चुका हूँ, तो उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं यूज़ करूँगा 192 से लेकर 224 तक का नेटवर्क यूज़ करूँगा। तो ये जाएगा देर हमारा 200.0.0.224/27 तक, ठीक है। 200.0.0.223/27 हमारा हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईपी। इसके ऊपर वाला 222.222 हो जाएगा हमारा लास्ट वैलिड आईपी, और ये 200.0.0.193 हो जाएगा हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी। तो ये हमारी नेटवर्क 3 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यहाँ पे भी सबके सबनेट मास्क डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम इसको VLSM कहते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये था हमारा फ्रेंड्स VLSM, जो कि है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसके अंदर मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बताया। आई थिंक दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।